I see 89898 Charlie, Captain Javed Khan, 56 Rajputana Rifles, on deputation with 85 Rasha Rifles. You have been charged under RPC Section 302 and Army Act Section 69 for the murder of a fellow officer and willfully disobeying a direct order. During a combing operation on the night of 8th March 2007, at 2100 hours, you opened fire on Major Virendra Rathore by a 9mm Beretta, thereby causing his death. Captain Javed Khan, do you wish to enter any plea for your defense? I can feel the velocity lessening. It's lessening. It's lessening. Finally, I'm suspended. I'm suspended in midair, just swinging. धीरे धीरे आवाज़ें भी गायब हो जाती हैं. And I'm limp. I'm above the earth at 7.6 G-force, and it's like swimming. In a coma. And then... pull back! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.4, free fall! It's like having sex with gravity, auntie! Gravity? Huh? Haan, gravity. मैंने ग्रह शोभा में पढ़ा था. उससे ना wrinkles होते हैं. इसीलिए white color के food ज्यादा खाने चाहिए. जैसे दूध, घी, पनीर, ते बनाना. उससे ना skin खिंची रहती है. हाँ जी. जी. Oh, amazing color. Thank you, जी. मैंने ना चावड़ी बाजार से ली थी, अनारकली से. बेटा, आपको आकाश बुला रहा है. Oh, thank you, auntie. I mean, excuse me. हाँ, नमस्ते. कैसे हो जी? कितना ब्रेव है ना? I know. बरेली वाले त्रिपाठी जी से मंजू के लिए बात करूं? हाँ, जरूर. आर्मी में लॉयर है. Thanks. Sorry, guys. Sorry. Where the who been here? Huh? मैं रिंकल्स निकाल रहा था. Doesn't matter. What? Ladies and gentlemen, Akash and Nandini. Kiss the bride. Kiss the bride. ये हॉलीवुड फिल्म नहीं है. What do you mean kiss the bride? Oh, come on, kiss the bride. Seal the moment. Seal your bloody mouth. और खाना कब गर्म करेंगे आप? अरे आग लगाइए भाई, कब तक वेट करेंगे? दिवाली चल कहाँ? इसको सीधा कीजिए आप. खेल ली ना एंगेजमेंट. अब चल एलिवेट चलते हैं. एक्सक्यूज मी, ये कोई हितेश जिग्नेश की पार्टी नहीं है कि फोटो खिंचाया, फूल दिए और निकल लिए. कमीने, दिस इज माय एंगेजमेंट पार्टी. आई एम द होस्ट एंड सो आर यू. या बट ये बुढ़ो की पार्टी है यार. 8 बजे से 2 ड्रिंक पे अटके हुए हैं. आई एम गेम. यू आर नॉट. पागल हो गई हो क्या तुम? तूने फ्लैट्स पहने हैं ना? हाँ. चल चेंज करते हैं. हम कहीं नहीं जा रहे हैं. चले बेबी, तुम फोटो खिंचवा लेना ना प्लीज. शेरवानी बड़ी सुंदर है आपकी. कहाँ से सिलवाई आपने? वो नंदिनी ने सिलाई. हाँ, अच्छा, तो फिर नंदिनी किधर है? जी जा.
सो रहा था. ऑफ कोर्स ब्यूटी स्लीप. एक बज रहे हैं, तीन बजे कर्नल पहुंच जाएंगे. ये ले तेरी मेल, जल्दी कर अब. सिद्धांत जी चौधरी, आपसे अनुरोध है कि आपके परम पूज्य पिताजी ब्रिगेडियर सुशांत चौधरी की याद में उनकी बहादुरी की शोभा में यूपी प्रशासन आजमगढ़ में माध्यमिक पाठशाला खोल रही है. आपकी विशिष्ट उपस्थिति अत्यंत प्रतीक्षित है. आपका नीलकंठ त्रिपाठी. कहीं स्कूल, कहीं ऑडिटोरियम. छोड़ना है, इसी बारे क्या बच्चे पड़ जाएंगे. तो खोले स्कूल, करे चैरिटी, किससे रोका है. I was proud of him even when he was alive. मुझे उनकी डेथ सेलिब्रेट करने की कोई जरूरत. सॉरी डैड, ट्रिक मी यार. खुद तो चले गए, मुझे फंसा गए. मिलोर्ड मिलोर्ड खेलने आर्मी में. You know, when Dad died, the army found a hero. I lost a dad. Couldn't hold the air. सब्जी काटने का भी तरीका होता है मेजर. दही अब्सॉर्ब हुआ, जरा देखो. सर, were you at Elevate last week? Elevate को छोड़ो, जमीन पे आ जाओ. स्कोर देखा है? You're losing. श्रीनगर पोस्टिंग के पेपर्स प्रोसेस में है. कानलपुरी से बात हुई थी, काफी मुश्किल से स्विंग हुई है तुम्हारी पोस्टिंग. सब थोड़ा नर्वस है. प्रताप का ब्लू आइट बॉय था ना, मेजर राठौर. तुम प्रोसिक्यूशन संभालोगे. दिस केस कैन टेक यू प्लेसेस. क्या नाम था कि उसका? कैप्टन जावेद खान. क्या बहन जी? इज अ वर्ड या बहन जी? बी ई एच ई एन जे आई. तो स्पेलिंग से क्या होता है? यू ऑलवेज चीट. क्या अरे तुम बताओ प्लीज. तू उससे क्यों बात कर रहा है? मुझसे बात करना. प्रताप wants him hang for sure. मस्टर्ड डालना है, सिर्फ एक चम्मच, वो बड़ा वाला. राइट. दैट्स नाइस. ठीक है, रेडी टू बी पुट ऑन द फ्लेम मीडियम पे. There we go. कई बार पूरा खेल खुद के साथ होता है, इसलिए जीत की प्लानिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए. राइट सर. और अच्छी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है सामने कौन है. क्या कह रहा था बुड्ढा? तुमने वो टिशू की साड़ी कहाँ से ली थी? चिकन मैरिनेट करना सिखा रहा था. है? बेटी की शादी करा रहा है कि शेफ बना रहा है? चिकन. पोस्टिंग पेपर्स आने वाले. कहाँ? श्रीनगर. नॉट बैड. कब जा रहे हैं हम? नहीं, मैं. मतलब अब शादी कर लूँ क्या तुझसे? वो तेरा प्रॉब्लम है. आई एम कमिंग विद यू. सिट. इट्स अ सेंसिटिव एरिया. काम पे जा रहा हूँ. अब हर जगह साथ तो नहीं जा सकते ना. एक्सक्यूज मी, पूना, रात के 3 बजे चाबी वाले को कौन लेके आया था? हाँ, मेरठ. साथ में हम दोपहर को एसिड रॉक बजा रहे थे. आंटी उसे किससे बचाया था? राइट. चेन्नई. नलका खुला छोड़ दिया था. बाढ़ आ गई थी. किससे बचाया था? किसने बचाया था? मैंने बचाया था. तुझे मैंने बचाया था. ओके, डोंट बी पेटी. साथ तो थे हम. बुड्ढे को बोल मेरी भी पोस्टिंग कराए. संडे कावा किसके साथ पिएगा? चिकन के साथ? अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह रहे कैप्टन जावेद खान. विच मेक्स इट एन ओपन एंड शट केस फॉर यू. चार्ज अंडर आर्मी एक्ट सेक्शन 69 एंड आरपीसी 302. ब्रिगेडियर प्रताप के कमान में हुआ है ये. इट्स अ हाई प्रोफाइल केस. गो फॉर द मैक्सिमम सर. स्टाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो चुकी है. यह है समरी ऑफ एविडेंस. इसमें विटनेसेस के सारे स्टेटमेंट्स अटैच्ड हैं. इट्स ए वेरी सेंसिटिव केस और किसी यंग ऑफिसर को प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी देना इज अ बिग रिस्क. ब्रिगेडियर प्रताप की पोस्टिंग होने वाली है 3 महीने में यूएन के लिए. यू नीड टू बी फास्ट. राइट सर.
नदी कश्मीर की सड़कों पर, श्रीनगर की वादियां मदहोशी से बेहोशी तक, इस सदी का लाल जलजला, लहूलुहाने कश्मीर की सफेद चोटियां, ये क्या है? ये मैंने लिखा था क्षेत्रीय संवाददाता ने। ये है लाइफ मेरी, 2x2 का कमरा और उसमें भी लोग दो। वो तो है सुहाना। और तुम भी यार इतने बदसूरत क्यों हो? नूरजहां की चाची। माँ पूछती है, बेटा नौकरी लग गई ना? हाँ माँ, दैनिक भास्कर में। मोहल्ले वाली आंटियां पूछती है, बच्चे तुम्हारा नाम कहीं नहीं पड़ा? नहीं, नाम है ना आंटी, आखिरी लाइन के नीचे चमकता हुआ क्षेत्रीय संवाददाता। वो मैं हूँ आंटी, मैं हूँ। चलें। चलो। ये भी ना हमेशा पीछे पीछे। सिगरेट किससे पूछी जाएगी तुमने? हाँ? सिगरेट से। शुभेंदु, अगर तुमने मेरे बाल फिर से जलाए तो मैं कहाँ लेकर जा रही हूँ? यहाँ मिलेगी इस सुनसान में कहानी। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी ने देख लिया तो जेल हो जाएगी, बेल के लाले पड़ जाएंगे। अरे चलो चलो, चलना तो पड़ेगा ही। अरे रुको। अरे मैडम कहाँ जा रही हैं? मैडम कौन है आप, कहाँ जा रही हैं? हम प्रेस से हैं, कैप्टन जावेद खान आए हैं, बस 2 सवाल पूछना और 1 फोटोग्राफ लेनी है, 5 मिनट लगेंगे। अंदर जाना मना है। अरे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, 2 सवाल ही तो पूछ। देखिए 5 मिनट में आप लोग गिरफ्तार भी हो सकते हैं। गिरफ्तार क्या? हेलो भाई साहब, रिपोर्टिंग करने आए हैं, कश्मीर दर्शन नहीं करने आए, समझे? बुला लीजिए अपने साहब को, कर लीजिए गिरफ्तार। देखिए मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं तो मैं बुला लूंगा अपने साहब को। भाई साहब बस 2 मिनट का काम है, नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो। सर जी पुन से ला लेना जावेद साहब को। मैडम हाँ हाँ जा रही हूँ। चलो ना। थैंक यू सर। थैंक यू क्यों बोल रहे हो? कम ऑन, चलो ना बताता हूँ। क्यों संवाददाता जी, मिल गई कहानी? कहानी लिखेंगी, कहानी। कहानी तो इस बार छपेगी बाईलाइन के साथ, वो भी फ्रंट पेज पर। ओह नो, अरे यार ये तुम्हारे पापा का मॉडिफाइड ट्रक, हमेशा धक्का देना पड़ता है। सिगरेट जलाता हूँ भूल जाता हूँ तभी याद दिलाती हो। रेडी नहीं होगा देख लेना। अच्छा बेबी मैं बताऊंगी, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है यार रिलैक्स चिल। अरे तू आ गया, नंदिनी कहाँ है? सरप्राइज। ओहो वेल डन मेजर कपूर। थैंक यू मेजर सुदान चौधरी, यहाँ पर अटैच्ड ऑफिसर राज राइफल्स ऑफ कोर्ट मार्शल ऑफ कैप्टन जावेद खान एज द डिफेंस लॉयर, रिपोर्ट टू ट्रांसिट कैंप विद इमीडिएट इफेक्ट। व्हाट्स दिस डिफेंस लॉयर इमीडिएट इफेक्ट? मतलब नेक्स्ट वीक। हेलो एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें पोस्टिंग के लिए कहा था, तुमने मुझे डिफेंस लॉयर बना दिया, और ये कैप्टन जावेद खान कौन है? आई कांट डिफेंड हिम। प्लीज यार तू ये कोर्ट वोट के चक्कर में मत फंसा। हाँ आई कांट पुश पेपर्स। या ठीक है मत जा। अरे तू सेंटी हो रहा है? अरे कम ऑन यार, इट्स अ सिंपल थिंग यार। देख बुड्ढे को बोल क्या कहूं कि 3 साल के लिए पैराग्लाइडिंग करने कश्मीर जा रहा है। या पोस्टिंग तक ठीक है बट ये तो। सिड रिलैक्स, तुझे कुछ नहीं करना, इट्स एन ओपन एंड शट केस, अक्यूज चुप है, तुझे सिर्फ कोर्ट में जाके गिल्टी प्लीट करना है, प्रोसिक्यूशन मैं संभाल रहा हूं। यू जस्ट ड्रेस अप इन योर बेस्ट, स्कीइंग कर, पहाड़ों में जा, बैकपैकिंग, कोई चिकलिफ्लेश जंप,
should jump into a court case, Akash. Oh, into the beautiful valleys of Kashmir. Yaar, pahad, wadiyan, nadiyan, lakes. Just close your eyes and dream. Sari kutan ghaib ho jayegi. Trust me. Good morning, sir. Welcome to Srinagar. Morning, Lance Naik. Rupinder ji. Thank you. Gaadi ki chabi mujhe dijiye. Main chalaunga. Sir. Kyun? Driving license hai? Sir, nahi chala payenge. Special permit chahiye, sir. Ye sensitive zone hai. Special permit? AK? Para jumps or static line jumps ke camps Srinagar se 15 kilometer dur hai lekin office kahin Srinagar mein hai kahan pe hai Rupinder mujhe nahi pata sir are kuch to pata hoga yaar Australian camp hai maine google kiya hai kuch to malum hoga Rupinder ji come on sorry sir ho sakta hai par mujhe theek se nahi pata sir koi aur khabar le lijiye pichle hafte 6 terrorists pakde gaye 4 mare gaye university ke paas hindi film hai kya sirf terrorists marte hain आर्मी वाले नहीं ये तुम्हारे आने जाने का टिकट ये कैप्टन जावेद की मां के घर का एड्रेस और ये रास्ते के लिए पानी थैंक यू शुक्रिया बैठिए वो जावेद की पासिंग ऑफ सेरेमनी है ना और ये ये जावेद के अब्बू हैं अनवर साहब कितनी भी सफाई करो मिट्टी आ ही जाती है जावेद को बचपन से आमी का शौक था फितूर तो अनवर साहब का था सूबेदार थे ना इसलिए हर साल 26 जनवरी की परेड दिखाने जावेद को दिल्ली ले जाते थे और जब वो घर लौटता था तो हाथ में छोटा झंडा लेके पूरे घर में शोर मचाता था अम्मी जय हिंद अम्मी जय हिंद अम्मी जय हिंद कभी पलंग के नीचे तो अलमारी के पीछे बस चिल्लाता रहता था बस अब तो बस आवाज़ें रह गई है बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला था ना उन्हें अव्वल था ना इसलिए और ये मेडल बेस्ट शूटर के लिए मिला था हाँ अनवर साहब कहाँ हैं हम आए में देहरादून गए थे जावेद के पासिंग आउट सेरेमनी देखने
अनवर साहब ने सलामी दी और बोले, भले ही इस घर में एक कपड़ा कम हो और जरूरत ज्यादा, पर इस फौजी ने अपने मुल्क को एक और सिपाही दिया। शायद इतनी खुशी उनमें समा नहीं पाए। अब जावेद से मिली जी, वो ठीक है, फिर आऊंगी। I hope you boys have settled in. Case ki sari information in files mein hai. It's been duly signed by the sector commander, Brigadier Pratap. Captain Javed Khan is under house arrest. Aapko accused se milne ki permission hai. Date of plea hearing will be 15 May aur 8 June ko court martial baithega. Right, sir. Any doubt, queries, questions? No, sir. Good. Koi bhi problem ho to staff captain A se contact karna. Uska daftar saath mein hai. Right. Very well, boys. I'll make a move. हाँ, by the way, कश्मीरी पंडित 12 टाइप का गोश्त बनाते हैं। Don't miss that. Have a nice day, boys. Right, sir. Files, हाँ? मेरी इमेज के साथ नहीं जाते। जय हिंद, please. जय हिंद। अब मेरी सुनेगा? Good morning, sir. पेपर गए भाड़ में। अक्यूज के पास जाओ और प्ली बागिन कर ले। कोर्ट में जाके सिर्फ गिल्टी बोलना है यार। 14 साल की सजा और dishonorable discharge. That's it. मामला खत्म। And then, come on, 4 o'clock squash. Sorry, it's against the rules, right? So, Javed Khan. Let's see. I am a Kohima... Kohima company? Huh. Same here. Kaunsa course? Let's see. Oh, Kafi Junior. And you have a shot Major Rathore point blank range 9mm Beretta. Wow. मुझसे नहीं होता. I mean, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन मतलब not that you wanted to. There's no circulation here. Right. अगर आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो तो आई थिंक नाउ इज द टाइम, प्लीज. यू नीड मोर टाइम. आई थिंक थोड़ा सा समय ले लो. टेक सम मोर टाइम. कैसा लगता होगा यार, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, वहां पे बंद, मतलब एकदम पैक्ड. फौजी है, शमशान में भी डालोगे, धूल झाड़ता हुआ बाहर निकल आएगा. यू शुड हैव सीन हिम अगेन. चू भी नहीं कर रहा था. He was absolutely still. ऐसा बैठा हुआ था. सर, जय हिंद सर. सर, मेजर सिद्धांत चौधरी की विजिटर आई है, काव्य शास्त्री. उनकी कजिन बताती है बाहर गेट पे है सर. जय हिंद सर. हेलो,
तन्ने से तो कहा था नॉन फैमिली पोस्टिंग है छोरे। इब केड़ी कजिन हैगी है? एके हैगी। She'll be coming down the mountain when she comes. जयहिंद सर। जयहिंद। जयहिंद सर। जयहिंद। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। स्क्वाश हाँ? यस सर। कहाँ थी इडियट? मेजर सुधांग चौधरी। ओहो, कितनी बड़ी हो गई हाँ? अब मुझे मेरे डेजिग्नेशन से बुलाने लग गई। Come on, give me a hug. नहीं मतलब? हाँ? नहीं मतलब क्या? Hang on, तुम तो बदल गई हो। मेकओवर किया है क्या? हाँ? हे, देखिए, मैं आपकी कजन वजन नहीं हूँ, ओके? आप तो गले पड़ने लग गए। एक्सक्यूज मी, जर्नलिस्ट हूँ। गेट पे एंट्री नहीं मिल रही थी इसलिए कैप्टन जावेद खान के ऊपर स्टोरी करने आई। CJK interview 2A defense lawyer Major Siddharth Chaudhary. Yes, Kavya. Grooming operation ke baare mein bataiye. You mean search operation, of course. You see, jab hum kisi area ko cordon off karte hain, to ek strategy ke saath search hum shuru karte hain. Is operation mein ye kafi complex tha. Aapko batane mein kafi waqt lagega, I mean. Scene of crime को describe कीजिए। मुश्किल है। It's tough. It's tough क्योंकि क्योंकि it's classified. Oh, classified. तो फिर आप बता क्या सकते हैं? What can I say? Journalism. कितनी noble profession चुनी है आपने? I mean, journalists, doctors, teachers, and you're bright. You're bright and attractive. I mean, I'm sorry, but aajkal ke journalists. Aap hai kahan se? Amlai, Madhya Pradesh. I knew it. Small town achievers. You know, they have that hunger. They have that hunger and they always reach the top. Look, Dhirubhai Ambani, Mahendra Singh Dhoni, Bismillah Khan, you know... Pratibha Patil, you know, these... Amlai, cowbell... cowbell say, na? Sorry. Sugar? Ek. Kitne log the scene of crime pe? That's a bright question. It's a bright question, but mere khyal se kafi jan andolan type of sawal hai. I mean, forgive me, but try looking at the bigger picture. Bigger picture, jab main sochta hoon, I think, Shakespeare. Aapne Shakespeare padha hai? Of course. So I think Shakespeare and I think Hamlet. I mean, Javed, Major Rathore, Ambition, Deceit or Beech mein Brigadier Pratap. Ab wo scene of crime pe the ya nahi the? I mean, that's, you know, to be or not to be. Aap keh rahe hain Brigadier Pratap scene of crime pe the? जो क्लासिफाइड नहीं है वो है फर्स्ट ऑफ मार्च। फर्स्ट ऑफ मार्च को हादसा हुआ। सोचिए उसके पीछे सब टेक्स्ट ढूंढ लिए, शायद कोई पोस्ट मॉडर्न थॉट निकल आए। मेजर सिद्धांत चौधरी, आई थिंक यू आर फैफिंग। यू डोंट नो क्रैप अबाउट द केस एंड योर क्लच इज शेक्सपियर। टू पुट द फैक्ट्स राइट, हादसा फर्स्ट मार्च को नहीं 8 मार्च को हुआ था। As defense lawyer of the case, आपको अपने केस के बारे में बेसिक फैक्ट्स याद नहीं है तो कोर्ट में डिफेंड क्या करेंगे? This certainly is a postmodern tragedy. Wake up. ये कॉफी के लिए। और ये टिप के लिए। Hunger.
Good morning to you too. 8:15. Colonel Adams' office. सरहद पर फिर एक सिपाही की मौत. ब्रिगेडियर प्रताप के निर्देश में. संवाददाता काव्या शास्त्री. शिट. ओह शिट. भास्कर. काव्या सिद्धांत. गुड मॉर्निंग सिद्धांत. गुड मॉर्निंग तुम्हारे लिए होगी, मेरी तो गुड नाइट हो गई. क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब, छापने के पहले पूछना चाहिए था यार. तुम्हारे अखबार का तो आज सर्कुलेशन बढ़ गया होगा. जो भी मैंने कहा था, इट वाज ऑफ द रिकॉर्ड. जैन साहब, मेरी स्टोरी थी और रहेगी, इसे छाप लिया. एंड अ पीस ऑफ एडवाइस, मेजर सिद्धांत चौधरी, तुम अपना काम करो पहले, ओके? गेट योर फैक्ट्स राइट. लुक, दैट्स नॉट योर बिजनेस, ओके? दैट्स नॉन ऑफ माय बिजनेस. सिद्धांत, तुमने उस पे कोई रिसर्च भी की? सीन ऑफ क्राइम पे गए, उसके फैमिली से मिले, कहां पोस्टेड था, कैसा बंदा था, मतलब तुमने कोशिश भी की? कि अगर वो अक्यूज्ड है तो क्यों है? Is he innocent or not? Bullshit, man. अपना काम करो यार. काम में आग की मात्रा होती है. काव्या शास्त्री. चार ऑफिसर थे. ब्रिगेडियर प्रताप के कमांड में यह हादसा हुआ. जाहिर है थल सेना के वीर अपने ही हाथों कुचले जा रहे हैं. ब्रिगेडियर प्रताप का प्रमोशन खटाई में पड़ सकता है. सर, ये फैब्रिकेशन है सर. मैं इनसे जरूर मिला था, बातचीत हुई थी सर्च ऑपरेशन के बारे में, लेकिन ऑनेस्टली सर, मुझे मालूम नहीं था कि ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा. इशू तो बन गया है मेजर सिद्धांत, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. डू यू इवन रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस मैटर? यस सर. इस आर्टिकल ने ब्रिगेडियर प्रताप जैसे ऑफिसर पर उंगली उठाकर पूरी इंडियन आर्मी पे एक्विजिशन लगाया है. शेमफुल. और आप जानते हैं कि इसके लिए आपको सीवियर रेप्रिमांड मिल सकता है. लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, आप यहां कोई जूसी गॉसिप या प्रेस को एंटरटेन करने नहीं आए हैं. यू आर इन एन ऑनरेबल प्रोफेशन, एंड आई होप आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू ऑफ दैट अगेन. व्हाट्स द प्रोग्रेस? डिफेंस ने केस फाइल सबमिट किया? नो सर. इट्स अ सिंपल केस मेजर, तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? और आर यू टू बिजी गिविंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस? नो सर. देन व्हाट्स द मैटर? सर, या आई एम लिसनिंग. सर, मैं केस स्टडी करने के लिए. या व्हाट? केस स्टडी के लिए क्या? सर, स्पीक अप मेजर, टेल मी. सीन ऑफ क्राइम सर, सीन ऑफ क्राइम के टूर पे जाना चाहूंगा. टूर ऑफ द सीन ऑफ क्राइम फॉर व्हाट? टू इन्वेस्टिगेट सर. डू द नीडफुल सर. द कोर्ट मार्शल विल बी कन्वीन्ड ऑन द 8th ऑफ जून. Dismissed. गलती हो गई यार, उसने कहा था कि वो. किसने कहा था? किसने कहा था मतलब? Everything is not a joke, Sid. Okay, वो आई, we had coffee, हमने बातचीत की कुछ आधे घंटे के लिए. मैंने केस के बारे में कुछ नहीं कहा. Exactly. वही लिखा उसने. Defense was clueless about the case. Clueless? Excuse me. I'm not clueless. She... I got you here, Sid. I had to bend backwards for you. Nandini ke dad ke saamne. Ghutan hoti thi na tujhe wahan. Then why did you have to go and screw it up? Kuch nahi karna tha. Sid, client se baat kar, deal ko square kar, that's it. Loud and clear. Be the messenger boy. Square the deal, period. Okay. तू तो 5 साल में यहां से निकल लेगा. मेरे लिए ये कोई बैकपैकिंग ट्रिप नहीं है सिड. दिस इज माय फ्यूचर वी आर टॉकिंग अबाउट. ग्रो अप. सॉरी एके, बट मैं तो केस, आई डिडंट वांट इट. आई मीन यस, एग्जैक्टली. हर चीज प्लेटर पे चाहिए तुझे, है ना? केस नहीं मगर पोस्टिंग चाहिए. सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद कर यार. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग ऑल द टाइम. Open and shut case है ये. Scene of crime. Where the hell did that come from, man? Huh? You have any concept? Scene of crime. Pathetic.
अगली बार हेलमेट पहन लेना। ब्लडी एनिमीज। माने बॉल लेके आओ। जी सर। एनी डाउट? नो सर। इधर ही आ रहा है साला। सर। सर मेजर सिद्धांत चौधरी जी, वो कैप्टन जावेद के डिफेंस लॉयर हैं, सीन ऑफ क्राइम पेट्रोल करना चाहते हैं। सर क्या करूं अब? उन्हें ब्रेकफास्ट पे बुलाओ। सर उनको एंटरटेन करना ठीक होगा? वापस आओ। जी साहब। मेटलर्जी पढ़ी है मल्होत्रा? फर्क जानते हो पीतल लकड़ी सोना कोयले में? जी सर। तो बुलाओ ना। ओके सर। मेरे किसी सिपाही की जान एक गोल्फ बॉल पे नहीं टिकी है। मेरे ऑर्डर से डाउट मत करना कभी। मॉर्निंग सर। मेजर सिद्धांत चौधरी, तो आप हैं जो मशहूर होने का शौक रखते हैं? हैव अ सीट। थैंक यू सर। क्या लोगे, कॉफी चाय? कॉफी प्लीज सर। यू नो मल्होत्रा, आजकल मशहूर होने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग वाकई में शेर का शिकार करके मशहूर होते हैं, कुछ लोग मरे हुए शेर की दुम काट के फोटो खींच लेते हैं, अखबार में छाप देते, मशहूर हो जाते। शॉर्टकट्स। शुगर? 2 स्पून सर। सर आई एम सॉरी अबाउट दैट। असल में मैंने कुछ और कहा था एंड इट गॉट फैब्रिकेटेड। ओप्स, इट्स ऑल राइट। एंजॉय योर कॉफी। थैंक यू सर। सर फिलहाल तो मैं एक इन्वेस्टिगेटिव टूर पे आया हूँ फॉर द केस। जरा बटवा देखना। आई एम सॉरी, योर वॉलेट। डेविड ऑफ कूल वाटर। चार चार क्रेडिट कार्ड्स लेके घूमते हो मेजर। यू नो, जब जिंदगी क्रेडिट पे चल रही हो ना, तो वास्तविकता थोड़ी सी धुंधली हो जाती है ना। रियलिटी गोज़ अ बिट आउट ऑफ फोकस। थैंक यू सर। वैसे तुम काफी हैंडसम हो मेजर। नहीं नहीं, तुम्हें मॉडल शॉडल बनना चाहिए था। यहाँ कहाँ फंस गए? सम ब्रेकफास्ट? नो सर, थैंक यू। You know, किसने कहा था वो? मैक्स मिलर ने। अगर कहीं जन्नत है तो यहां है, यहां है, यहां है। पर मैं तो कहता हूं कि इस फिजा में जन्नत और दोजख दोनों है, बस चॉइस आपकी है। इस वर्दी में मेजर आसमां कुछ अलग दिखता है। यहां या तो भगवान है या ब्रिगेडियर प्रताप है, ऐसा ये लोग कहते हैं। पर मैं इनसे कहता हूं कि भैया ऐसी जाति मत करो, यहां भगवान और ब्रिगेडियर प्रताप दोनों हम ही हैं। वो बॉर्डर के उस पार दुश्मन की गोली जो है वो यहां से 5 सेकंड की दूरी पे। मेरी गोली छोड़ो, गोल्फ का एक शॉट यहां से 4 सेकंड की दूरी पे।
मैं हमेशा एक सेकंड आगे रहता हूं, ऑलवेज। ये डेमोक्रेसी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, ह्यूमन राइट्स, मॉरल साइंस, ये सारी चीजें इस एलओसी से 100 किलोमीटर पहले, यानी तुम्हारे बहुत पीछे खत्म हो जाती, इसलिए वहां से यहां या तो ब्रिगेड प्रताप है या ब्रिगेड प्रताप है। यहां मसले कुछ उस बार्ड वायर की तरह पेचीदा, क्या इन्वेस्टिगेट करोगे? नाइस मीटिंग यू सर, मे आई टेक योर लीव? नो मेजर, सिट डाउन, सिट डाउन। 27 टन फ्यूल, 3 घंटे की फ्लाइंग टाइम, 200 लोगों की मेहनत, इतना कुछ लगता है एक कप कॉफी को यहां 9,000 फीट तक पहुंचाने में। अगर तुम्हें कॉफी के प्रति कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं है तो आई रियली डोंट केयर, पर इसके पीछे जो मेहनत है उसे रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो फिनिश योर कॉफी। ये वही गांव है जहां वो हादसा हुआ। ऑल योर्स मेजर। आपका नाम क्या है? च्युइंगम लोगे? नहीं चाहिए, आप फौजी हो। डन मेजर। अच्छा अफसर था कैप्टन जावेद खान, बस यहां पे पोस्टिंग नहीं लेनी चाहिए थी, मुश्किल होती है अपने लोगों पे गोली चलाने में। लेट्स गो मेजर, चलिए बेस चलते हैं, शाम को इस एरिया में सेलिंग भी होती है। मैं सीन ऑफ क्राइम पे गया था और ब्रिगेडियर प्रताप से भी मिला। ये स्टाफ कोड ऑफ इंक्वायरी और समरी ऑफ एविडेंस है। सर्च ऑपरेशन 8 मार्च को हुआ था ब्रिगेडियर प्रताप के ऑर्डर्स के तहत। तुम पर मर्डर के चार्जेस हैं अंडर आरपीसी सेक्शन 302 एंड आर्मी एक्ट सेक्शन 69।
सीन ऑफ क्राइम पे टेररिस्ट को पनाह दी तुमने। तुम्हारे सीनियर राजपुताना राइफल्स के मेजर राठौर ने सर्च ऑपरेशन के दौरान तुमसे पूछताछ की, एज अ रिजल्ट तुमने उन्हें शूट कर दिया। दो ऑफिसर्स, तीन JCO और 8 जवान के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं। दे स्टैंड विटनेस टू दिस केस, एम आई राइट? जावेद, इज दिस राइट? आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं सर? कोर्ट मार्शल 8 जून को शुरू होगा और 8 जुलाई को खत्म। इसके बीच में जितना है सब बेमानी है। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। सर, रिपीट फॉर यू। हाँ, मेक इट अ डबल। यस सर। एंड 1 पाइंट ऑफ चिल्बिया प्लीज। थैंक्स। क्यों, स्मॉल टाउन मोरालिटी में फिट नहीं होता ना? सो हाउ यू बीन? वेल, पिछली बार की कॉफी तो बहुत कड़वी थी, इस बार क्या छापने वाली हो? तुम कितने ढीले फौजी निकले। आई मीन, उसके बाद फोन ही नहीं किया तुमने। थैंक यू सर। एनी लास्ट ऑर्डर्स? क्लोजिंग टाइम? One more double and another beer please. Yes sir. Thank you. तो तुम आर्मी मेस में कैसे? Oh my god, I forgot to introduce myself. मैं मेजर सिद्धांत चौधरी की कासन, काव्य शास्त्री, pleased to meet you. Pleased to meet you. Cheers. Cheers. मैं कुछ 14-15 साल का था। डैड मुझे रॉक क्लाइंबिंग लेके गए फॉर द फर्स्ट टाइम। वी स्टार्टेड क्लाइंबिंग। पास में झरना बह रहा था। डैड ऊपर तक पहुंच गए, मैं थोड़ा ही पीछे था कि सडनली आई स्लिप्ड और एक हाथ से लटक रहा था। आई वॉज टेरिफाइड। डैड वॉज काम। उन्होंने कहा, सिद्धांत डोंट पैनिक, ऊपर देखो नीचे मत देखो। उन्होंने कहा, मैंने देखा और नीचे एक खाई थी एंड इट वॉज एंडलेस। And suddenly, everything became still. और मैं इस खाई को देखता रहा। God, it was so beautiful. And I suddenly began to feel alive. I was awake. I was strong. आज कहीं वो साली खाई दिखाई नहीं दे रही। लटक तो आज भी रहे हो सेठ, फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम्हारे साथ कोई और भी है। गिर मत जाना।
जावेद की अम्मी हूं। ओह सलाम। सलाम। आप यहां ठंड में क्यों बैठी है? अंदर आइए ना। नहीं बेटा, मैं अपने बेटे की मौत मांगने आई थी। मुश्किल होती है। अगर उसने गलत किया तो उसे सजा जरूर दिलाना। गुनाह में हिसाब किताब नहीं चलता। मुझे अल्लाह से नहीं, सुबेदार से डर लगता है कि कहीं उनकी आंखें ना नीचे हो जाए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खुदा हाफिज। बीच में जितना है सब बीमारी। क्या तुम accused है तो क्यों है? Is he innocent or not? मुश्किल होती है अपने लोगों पे गोली चलाना। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अगर उसने गलत किया तो उसे सजा जरूर दिलाना। आज कहीं वो साली खाई दिखाई नहीं दे रही। Court Martial number 17, Captain Javed Khan, IC-89898, of 56 Rajputana Rifles, attached to 85 Rashtriya Rifles. You have been charged under RPC Section 302 and Army Act Section 69 for the murder of fellow officer Major Virendra Singh Rathod on the night of March 8, 2007, during a search operation at Punj village, 15 kilometers from Pulwana. Does defense wish to enter the plea? Yes, sir.
नॉट गिल्टी। Court is adjourned and will reassemble on 8th June 2007 at 0900 hours. All right. तू जानता है तू क्या कर रहा है? जानता है इससे क्या हो सकता है? क्यों मेजर सिद्धांत चौधरी, खाई देखने लगी क्या? थोड़ी थोड़ी, अभी छलांग लगाई है ना। नाइस आर्किटेक्चर। एनीमिक है वो जो हाथी के जैसे दिख रहा है ना, वो उसे खा जाएगा या मिल जाएगा? सबके पीछे एक कमांडेंट या चीफ रहता होगा ना, हर रोज नई गोली देता है। कमांडेंट साहब, केस तो ले लिया, अब क्या करूं? जवाब नहीं आ रहा। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश कीजिए। लगता है बारिश हुई है।
आप वो आप चाहे तो यहां च्युइंगम खा सकते हैं, यहां कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं थैंक यू। मेरी अलमारी में पेपर के नीचे 3-4 रेलवे टिकट्स रखे हुए हैं, जम्मू से दिल्ली रिटर्न 8 साल पहले के, जब हम 26 जनवरी की परेड देखने दिल्ली जाते थे तो टिकट रखने का काम अब्बू ने मुझे सौंप रखा था। आप प्लीज वो अम्मी को पोस्ट करवा देंगे? श्योर। मैं जानता हूं कि आप पूरी ईमानदारी से इस केस को देख रहे हैं, पर मैं भी आपको अपने हिस्से का सच बता दूं। मैंने ही मेजर राठौर को शूट किया है। एक अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 53 शौर्य चक्र, 300 सेना मेडल्स, ये है राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल्स स्टैंड्स फॉर इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑनर। और जब इस राष्ट्रीय राइफल का एक ऑफिसर मारा जाता है, दैट्स अ लॉस ऑफ ऑनर। और जब इसी राष्ट्रीय राइफल का एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर का मर्डर करता है, दैट्स अ लॉस ऑफ इंटेग्रिटी। एंड दिस केस इज अबाउट लॉस ऑफ इंटेग्रिटी। यह हादसा हुआ कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के पुलवाना गांव में ऑन द 8th of March 2007 एट 2100 आवर्स। एक गोली चली, एक ऑफिसर की मौत हुई। आई वुड रिक्वेस्ट परमिशन टू कॉल ऑन द फर्स्ट विटनेस लांस नायक भैरव सिंह, कोट एनसीओ 56RR। जिस रात हादसा हुआ उस रात कोट एनसीओ ड्यूटी पर आप थे? जी सर। इस वेपन को आपने इशू किया था? जी सर। रजिस्ट्रेशन नंबर 21456L सर। किसके नाम पे इशू हुआ था? कैप्टन जावेद खान सर। मेजर राठौड़'स कॉज ऑफ डेथ? हेमरेज ड्यू टू डैमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। और इंटरनल ऑर्गन्स के डैमेज होने की वजह? मेजर शाह, 1 bullet fired from close range। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गोली 9mm ब्रेटा रजिस्ट्रेशन नंबर 21456L से चली। और बुलेट किस रेंज से फायर की गई थी? जी 6 से 10 feet के बीच में। आई वुड रिक्वेस्ट परमिशन टू कॉल ऑन द विटनेसेस फ्रॉम सीन ऑफ क्राइम। सुबेदार राजन, क्या आप वहां मौजूद थे? गोली की आवाज सुनते ही मैं भाग के आया था। मेजर राठौर के सर से खून बह रहा था। कैप्टन पासबोला और कैप्टन आरपी सिंह उनके पास में बंदूक ताने खड़े थे। हम और मेजर राठौर गार्डन में बैठे हुए थे, तब हमने मकानों के पीछे एक हरकत देखी। एक परछाई निकलकर सामने आई। जब हम अंधेरे की तरफ बढ़े तो एक और परछाई निकलकर सामने आई। वो थे कैप्टन जावेद खान। जब मेजर राठौर ने उन्हें चैलेंज किया तो कैप्टन जावेद खान ने उन पर गोली चला दी। ही शॉट हिम डेड। We arrested Captain Javed Khan. That will be all, Your Honor. सिंगापुर गई थी, यू नो, क्रोनोग्राफ, ऑल्टमीटर, डेप्थमीटर, स्कूबा वगैरह। नो वे। अभी भी देर नहीं हुई है। किसके लिए? प्ली बार्गेन। आई कैन स्टिल स्विंग इट। कैन यू हियर दिस? हर 2 सेकंड बाद पल्स आता है। लिसन, थैंक नंदनी, गिव हर अ हग। मैं फोन करूंगा। थैंक्स एके। बहुत सीरियस रहता था सर, अलूफ, किसी से मिक्स नहीं होता था। ट्रेनिंग के दौरान कैप्टन जावेद खान कैसे थे? ऑब्जर्वेंट, कैलकुलेटिव, इंटेलिजेंट, पर काफी रिजर्व थे। चीज के 10 डब्बे, 5 टन बटर के,
चार बोतल जान की और तकरीबन 10 बोतल रूह अफजा की। कुछ लोकल लोग साथ आते थे। कौन लोकल लोग? शायद गांव वाले सर, पता नहीं। आप कब से कैंटीन इंचार्ज हैं? तकरीबन 3 साल से सर। और 3 साल में आपने पहले कभी इन लोगों को नहीं देखा? नहीं सर, कभी नहीं। क्या आप भी गांव वालों के साथ मिलते जुलते थे? कभी कभार, सेंसिटिव एरिया था इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी। कैप्टन जावेद खान, क्या वो भी कभी कभार गांव जाते थे? हफ्ते में 4 बार। इनफैक्ट हम ऑफिसर्स के बीच में एक जोक था कि उनका ऑफिसर्स मेस गांव में है। पोस्टिंग के दौरान मेरी कैप्टन जावेद खान से मुश्किल से 4 या 5 बार बात हुई होगी। हाँ, मगर सोशली तो आपने उनके साथ इंटरेक्ट किया होगा। जी, वो मेस में आते जाते जरूर थे लेकिन मेरी कभी बातचीत नहीं हुई। संपाती, कोई इवेंट, त्योहार? नो सर। मतलब 3 साल में आपकी उनके साथ कोई बोलचाल नहीं रही? नो सर, नॉट एट ऑल। जाहिर है कैप्टन जावेद इंट्रोवर्ट, थोड़े से अनसोशल हैं, मगर उनकी खामोशी के पीछे शायद कैप्टन जावेद की वफादारी छुपी हुई है। वफादारी राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ या वफादारी जिहादियों की तरफ? वफादारी भारतीय सेना की तरफ या वफादारी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ? क्राइम को तो एविडेंस प्रूव कर सकता है मगर मोटिव और इरादे हमें समझने होते हैं। शायद मेजर राठौड़ ने इनके इरादों को भांप लिया था और इसीलिए इन्होंने मेजर राठौड़ को पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया। शायद द प्रोसिक्यूशन रेस्ट दिस केस। कौन से जावेद खान हो तुम? एकेडमी गोल्ड मेडलिस्ट जावेद या मिलिटेंट जावेद? आपने भी मान लिया कि मैं उन लोगों से मिला हुआ था? क्यों नहीं मानूं? आज मैं आपको एक और सच से वाकिफ करा दूं। मेरा नाम जावेद खान है। तो मैं अपने होने की कीमत चुका रहा हूं। कौन सी कीमत? हाँ, कौन सी कीमत? कि तुम मुसलमान हो? हाँ, यू आर द मुस्लिम विक्टिम। सूली पे चढ़ोगे? मार्टर बनोगे? इज दैट इट? और मैं देखो, तुम्हें मरना है तो प्लीज मारो लेकिन मैं तुम्हें शहीद नहीं बनने दूंगा। Get that clear? You will not die a martyr. The defense may begin. NDA का Academy Gold Medal, IMMA बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर। कैप्टन जावेद खान गॉट हिज फर्स्ट चॉइस ऑफ रेजिमेंट। ही वाज द यंगेस्ट ऑफिसर टू बी रेकमेंडेड फॉर एन आर्मी चीफ कमेंडेशन कार्ड। ये ट्रैक रिकॉर्ड योर ऑनर एक डेडिकेटेड ऑफिसर का नहीं बल्कि एक एक्सेप्शनल ऑफिसर का है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन अगर क्रेडेंशियल्स की ही गिनती गिराना शुरू करे तो कैप्टन जावेद मेजर राठौड़ से बहुत पीछे रह जाएंगे। यहां कोई मेडल्स की रेस नहीं चल रही। Judgment is based on facts. Just facts. Always. Do you want to lead any evidence in your defense? The defense requests for some more time, Your Honor. Court martial is adjourned and will reassemble on Monday, 12th June 2007 at 0900 hours. All right! मंत्र
రైఫిల్ని బర్తరఫ్ చేసి తాత్కాలిక ఎమర్జెన్సీ విధించి 56 రాజపుతానా రైఫిల్స్ కే మేజర్ వీరేంద్ర రాఠౌర్ కా నామ మరణోపరాంత్ ఉత్తమ విశిష్ట సేవా మెడల్ కే లియే ప్రస్తావిత్ కియా గయా హై. ఆజ్ ఉన్కే యూనిట్ ద్వారా ఆయోజిత్ ఏక్ సమ్మాన్ సభా మే యూనిట్ కమాండర్ నే యే ఘోషణా కీ. గౌరవ హై కీ మేజర్ వీర రాఠౌర్ కే పరివార్ కా ఏక్ భీ సదస్య ఇస్ సభా మే ఉపస్థిత్ నహీ థా. दर्शकों को बता दें कि मेजर राठौर की हत्या उनके जूनियर ऑफिसर कैप्टन जावेद ने गोली मार के की थी. कैप्टन जावेद खान पर कोर्ट मार्शल चल रहा है. ये हाईवे वाला रास्ता लेना. हम वहां क्यों जा रहे हैं? आई मीन आर यू श्योर? वो तो अपने हस्बैंड के ऑनरिंग सेरेमनी में भी नहीं आई थी. आई मीन कितना कोऑपरेट करेगी पता नहीं. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस बिजनेस. अब तो निकल पड़े ना. कितना टाइम लगेगा? एक घंटा. केहू निठल्ला केहू बिगड़ल कहेला केहू निकम्मा केहू अड़ियल कहेला. ये मेरी दोस्त है, इसको मैं छिपली बुलाता हूँ क्योंकि वो छिपती रहती है ना. और छिपली के दोस्त का नाम क्या है? चंगेज खान. और आपका? ली, ब्रूस ली. आप सेरेमनी में? क्षितिज की तबीयत ठीक नहीं है. पीटीए की मीटिंग थी. मुझे 103 बुखार. सुबह से जितने फोन उतने बहाने. तो आप कौन सा सुनना चाहेंगे? दीवार भर गई है इनकी बहादुरी से. अब और मेडल्स नहीं आएंगे, खाली रहेगी. क्षितिज को कार्टून्स बनाने का मौका तो मिलेगा. चंगेज का मतलब होता है ब्रेव. ब्रेव का मतलब? पापा. पापा का मतलब? पापा का मतलब यूनिफॉर्म, गन और छोटे हलवाओं के लड्डू और बहुत सारे गेम्स. जब पापा छुट्टियों से आएंगे फिर पापा सीनियर चंगेज खान और मैं जूनियर चंगेज खान. और मामा? मामा तो हॉस्पिटल में रहती है ना. दादू बीमार है ना. गन दे देते थे मेजर राठौर क्षितिज के हाथ में, और वो भी लोडेड. मैं डर के मारे कांपती थी. दूसरों का डर उनका सुरूर था, और शायद शौर्य भी. यूनिफॉर्म पर खून के धब्बे, एक अजीब महक आती थी उनके देह से. कभी कभी तो इतनी घिन आती कि रगड़ कर अपना हाथ फिर से साफ करती, जैसे उनके हाथ का खून मेरी हथेलियों में जम गया हो. हर मेडल के पीछे कई कहानियां छिपी हैं. मैं तो रोज सुनती हूं. लगता है मैं भी मेडल बन गई हूं. नहीं, सॉरी क्यों? एक दिन तो ऐसा होना ही था. 19 साल की उम्र में जब शादी हुई थी तब मैंने दुनिया नहीं देखी थी. अब 7 सालों में लगता है कुछ ज्यादा ही देख ली. अच्छा, ये पापा अजीब वर्ड है ना. पापा 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 पा. ब्रिगेडियर प्रताप से मिली आप? नहीं. छ
छोटा हाथ 12 पे आ जाए और बड़ा 3 पे, दैट मींस इट्स क्वार्टर पास्ट 12। हाँ, इसने ज्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लीजिए। थैंक्स। या थैंक्स कुकी। थैंक यू। तो लौटने में करीबन 3 घंटे लगेंगे? नहीं, 4। लौटने में ज्यादा ट्रैफिक रहता है। ब्रिगेडियर प्रताप की यूएन पोस्टिंग अगले महीने है। फोन आया था, दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। कैप्टन जावेद हाउस अरेस्ट में है ना? जी हाँ। She hates him. Hates him? उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि घिन आती उन्हें राठौड़ से। I mean, हर बार वो राठौड़ का नाम लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। कोर्ट नहीं आएगी ना? No. You know, Sid, ऐसा लग रहा था कि वो आजाद हो गई है। मतलब इतनी नफरत, हर रोज रोज रोज। 8 साल वो उस आदमी के साथ रही है। कोई भी होता, मेरा बच्चा था तो मैं ही गोली चला दी थी। फिनिश इट ऑफ वंस एंड फॉर ऑल। वॉच इट, सिट, गेट आउट, क्या कर रहे हो? कम ऑन, लेट्स गेट आउट। कम ऑन, गेट आउट। देख लो कार, कम ऑन। हाईवे में तुमने गाड़ी क्या कर रहे हो? कम ऑन, क्या सिट? अच्छा तुम, सिट, तुम राठौड़ हो, मैं जा रहा हूं। सो 1, क्या गाड़ियां आ रही है? 3, 4, 5। ठीक है, आई नो बेटर इन माय हैंड। पास बोला आरपी सिंह करीब यहाँ पे, राइट? हियर्स द क्वेश्चन, जावेद ने सिर्फ राठौड़ को गोली क्यों मारी? क्योंकि राठौड़ उसके सामने खड़ा था। यस काव्या, कम ऑन, थिंक। क्या रिपोर्ट सेज? 1 बुलेट वाज फायर्ड, इट्स 9mm बेटर। 9mm बेटर मींस 12 बुलेट, मतलब 11 बुलेट है चेंबर में। किसी को भी मार के भाग सकता था, उनको मार सकता था। ही कुड हैव शॉट एनीवन एंड गॉन। सो उसने सिर्फ राठौड़ को क्यों गोली मारी? Why did he start and stop with Rathod? Right. Should you right? Captain Pasbola, आप RR में कितने साल से हैं? 1 साल से सर। कितने ऑपरेशंस किए? 20 कॉर्डन एंड सर्च, 11 एम्बुश और 5 रेड सर। उस रात कितनी गोलियां चली थी? 1 गोली चली थी सर। किस डायरेक्शन से? नॉर्थ डायरेक्शन से सर। सारी डिटेल्स रिपोर्ट में लिखी है सर। क्राइम कितने बजे हुआ था? 2100 आवर्स सर। सारी डिटेल्स रिपोर्ट में लिखी है सर। थैंक यू कैप्टन पासबोला, दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। कैप्टन आरपी सिंह, आपने कैप्टन जावेद खान को अरेस्ट किया था? जी। सीज्ड वेपन में कितनी बुलेट्स थी? जी 11। इसका मतलब है सिर्फ 1 गोली चली थी। जी। एंड इट्स अ 9mm ब्रेटा, राइट? यस सर। इस वेपन की रेंज कितनी होगी? 30 मीटर। 30 मीटर। और आप कितनी दूरी पे थे? जी मैं 25 मीटर दूरी पे ऑन अलर्ट था। फिर गोली आपको क्यों नहीं लगी? जी नहीं, मतलब गोली सिर्फ मेजर राठौड़ को क्यों लगी? जी वो नहीं, अगर आप 25 मीटर की दूरी पे थे और कैप्टन जावेद खान ने गोली चलाई तो निशाना कोई भी हो सकता था, आप भी। सिर्फ मेजर राठौड़ क्यों? सर, वी पुट दिस इन द रिपोर्ट। यस आई नो, बट आई वांट टू हियर इट इन योर वर्ड्स। कैप्टन जावेद खान ने आप लोगों को क्यों नहीं शूट किया? ऑब्जेक्शन, डिफेंस इज इंटिमिडेटिंग द विटनेस। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अगर वो खतरनाक मुजरिम है, अगर वो एक लीथल मर्डरर है, तो फायरिंग आप पे भी हो सकती थी, कैजुअल्टी होती। आंसर मी। जी वो क्या आप भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं? नो सर। व्हाट्स द ट्रुथ देन? आंसर मी, व्हाट्स द ट्रुथ? हम वहां थे पर yes? याद नहीं। याद नहीं मतलब? वी डिडंट अरेस्ट हिम। You didn't arrest him? Don't be silly, Captain R.P. Singh. Captain Pasbola ने कहा है कि सारी details report में है, and the report states that you and Captain Pasbola arrested Captain Javed Khan. जी हो सकता है। हो सकता है? I don't get this. मतलब? Captain R.P. Singh, did you read and sign this report or did you just sign it? जी मैंने। Did you read and sign this report or did you just sign it? सर, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा मुझे 1 घंटे का एक्सटेंशन मिले प्लीज। ऑब्जेक्शन, द प्रोसिक्यूशन इज नॉट अग्रीएबल टू दिस।
Court is adjourned and will reassemble on Monday at 0900 hours. All right! और आरपीसी ने कहा भी कि मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है एंड आई वाज सो क्लोज. मैंने जज से कहा प्लीज थोड़ा और वक्त मुझे दो. नो no. उन रिपोर्ट्स का भी कुछ पता नहीं और वो दो शख्स कौन थे ये भी पता नहीं. क्या वो टेररिस्ट थे, क्या वो कहीं भाग रहे थे. एग्जैक्टली काव्या, या फिर ये सब झूठ है. सुनो, ऑफिशियली मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा. मैं पता करती हूँ. एनीवे, अपडेट ऑन रिसर्च. या राठौर प्रताप का पिट्टू था. हर ऑपरेशन असम, कारगिल, त्रिपुरा दोनों ने साथ में सर्व किया था. ये है राठौर की पोस्टिंग डिटेल्स. और एनएन प्रताप, प्रताप पूरी बात सुनोगे? सॉरी, गो ऑन. 1993 में एक हादसे के दौरान प्रताप की पूरी फैमिली गुजर गई. उसके बाद प्रताप ने सिर्फ फॉरवर्ड एरियाज में पोस्टिंग ली. ऑल ही सॉ वाज वर्क. एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को उन्होंने अपनी स्पेशलिटी बनाया. जब वो सियाचिन में पोस्टेड थे तो वहां उनकी राठौर से मुलाकात हुई. उसके बाद सियाचिन के बाद हर ऑपरेशन, हर पोस्टिंग दोनों साथ में थे. और प्रताप ने राठौर को बहुत पावर्स दिए थे. दिस पावर्स कैप्ट इंक्रीजिंग. डेफिनेटली दोनों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था. बट यू नो व्हाट सेड, मुझे लग रहा है कि मेबी राठौर वाज द ओनली पर्सन ही हैड. आफ्टर ओके, सुनो तुम रिसर्च करने वाली हो. आई गॉट टू गो अक्रॉस. मैं देखता हूं कि को आई थॉट आई विल गिव यू अ सरप्राइज. आई डोंट लाइक सरप्राइजेस. इट्स नंदिनी. पूछना तो चाहिए था. क्या मतलब पूछना चाहिए था? सुनो, मैं तुम घर जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ. जस्ट कीप द पेपर्स. आई विल कीप द पेपर्स. थैंक्स. कश्मीर में धूप निकल आई, चिल मिलाती हुई. यार राइट. ओप्स सॉरी. नहीं, सडनली मौसम खराब हो गया है. कब से हुआ ये सब? सैटरडे. तो सैटरडे से काले बादल छाए हुए हैं एंड आई डोंट नो एनीथिंग. शट अप यार. अरे झगड़ा उससे करो और बिल मेरा फाड़ो. दिन रात केस में. ही स्टॉप लिसनिंग. शादी की डेट भी पोस्टपोन हो रही है. जस्ट आई डोंट नो व्हाट टू डू. रोना चाहती हो? नो, यू कैन क्राई. आई हैव गॉट टिश्यूज. यू नो व्हाट सिड, प्रताप की सारी फाइल्स इधर है सिवाय एक के. उसकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. काव्या, श्रीनगर में तुम किसी पंडित को जानती हो? बाबा इतनी रात को कौन हो सकता है यार. पता नहीं, देखता हूं. नमस्कार जी, ये श्री आकाश कपूर जी का घर है जी. उन्हें की शादी के लिए तो आए हैं. पता भी यहीं का दिया था. उन्होंने कहा कि मिस्टर आकाश कपूर वेड्स मिस नंदिनी अर्जेंट में आने को कहा था. किसने कहा था? कैसे कोई कैसे कहे दोस्ती क्या है, क्या है. जिंदगी की धूप में ये दोस्ती छाव है. दिल पे गहरी लिखी है अगर दोस्ती, मिट्टी कहाँ है. दोस्त चुप है अगर उसकी हर एक नजर सुबह है. उसको भी है पता हम वही हैं सदा जब वो जहां.
कोट में, यूनिफॉर्म में हैंडसम लगता है। नमस्ते दैट थोड़ा सा, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, उससे ज्यादा जेलिस हूं। मजाक कर रहे हैं? हाँ, स्कोर 10 लव है। जंग में जब शूट करने का ऑर्डर देते हैं तो कब, कहां, कैसे, उसका तो पता होता है, मगर क्यों? फौजी को ना ये बताते हैं ना उसे जानने का हक होता है। इट्स एन ऑर्डर, शूट, इट्स योर ड्यूटी। ये केस भी मेरे लिए एक ड्यूटी है, a duty towards the army, a duty towards myself. Agar tu to free falling again, no scoring. I wish, but श्रीनगर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनस, कहीं से कुछ तो पता चला होगा सर। आई मीन ही मस्ट हैव कॉल्ड समवन, बेस के फोन रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, किसी ने उन्हें मैसेज जाते हुए देखा होगा। आई मीन कैप्टन आरपी सिंह एब्सेंट विदाउट लीव, हाउ इज दैट पॉसिबल सर? उसने फैमिली को कॉन्टेक्ट किया होगा, राइट? कैप्टन आरपी सिंह के रिकॉर्ड में शायद कोई क्लू मिल सकता है, शायद वो किसी फ्रेंड के साथ हो, किसी लोकल अक्वेंटेंस के साथ हो। आई मीन कम ऑन सर, हमें चाहे तो किसी को भी ट्रेस कर सकते हैं। मैं उनका कमांडिंग ऑफिसर नहीं हूं। आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। व्हाट शुभेंदु? तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। देखो देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप करेंगे जो भी करेंगे। साहब मेरी गाय चोरी हो गई साहब। क्या नाम था? काव्या शास्त्री लॉकअप में क्यों है? मिस काव्या शास्त्री लॉकअप में क्यों है? जी हमें ऑर्डर मिले थे, अरेस्ट करना था, हमने अरेस्ट कर लिया है। आप चाहें तो डीएसपी साहब से मिल सकते हैं। हाँ भाई। हेलो। हाँ मैं कह रहा था कि काव्या शास्त्री को अरेस्ट क्यों किया गया है? मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, प्लीज हैव ए सीट। No, she is accused of violating section 3 and 9 of OS Act with section 120B of the IPC. Offense kya hai? Sensitive information uske paas se mili thi. Aur wo army base mein defense ke documents ikattha kar rahi thi. Aur saath mein notes bhi bana rahi thi. That's good enough. Aur baaki baatein to interrogation mein pata chalengi. Interrogation? You can't be serious. Dekhiye, wo ek zimmedar journalist hai. Apni story ke liye research kar rahi thi. I'm sorry, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। Look, I'm an army lawyer. ये जो आप आर्मी लॉ बता रहे हैं ना, ये 1923 की लॉ है। In 2007, it's useless. मेरा काम लॉ को समझना या समझाना नहीं है, उसको सिर्फ फॉलो करना है, समझे आप? और आप जाइए, अपनी सरस संभालिए। सब एक दूसरे के माउथपीस हैं। It's all a conspiracy, right? It's all a bloody conspiracy. मतलब? So there's nothing you can do. Maybe she's a journalist, yaar. She's just a journalist.
थैंक यू। शिट। शाम को ठीक 7:30 बजे हमें असेंबल होने के ऑर्डर्स दिए गए। मेजर राठौर ने कहा पुलवामा में सर्च ऑपरेशन है। हमारी कंपनी बेस से रवाना हुई। सुबेदार वाही की टुकड़ी सुबेदार खोसा के साथ नॉर्थ डायरेक्शन से जवानों के साथ सुबेदार लांबा आप ईस्ट से मूवमेंट करेंगे। सिंगल पास बोला मेरे साथ। नाउ मूव। जावेद तुम। यस सर। घर वालों को बाहर इकट्ठा करो। पर सर यहां परवाह नहीं होता मियां, सिर्फ ऑर्डर्स होते हैं। मूव। चलिए सब लोग नीचे, चलिए नीचे सब लोग, सब नीचे लाइन में खड़े हो जाइए। चले चलो भारत हाथ, तुम भी नीचे आओ। चलो हाथ चलो हाथ। सफाई करते नहीं बनता है। चल इधर आ, चल इधर आ। क्यों बे बकरे साले। चल बता क्या नाम है। मुस्ताक है जी, मुस्ताक। अब्बू का दिया नाम है या बड़े मियाँ का। अब्बू का। अबे जोर से बोल, सुनाई नहीं दिया। जी अब्बू का। चल बता तेरे अड्डे कहाँ हैं। अड्डे तेरे बोल। हट। बता तेरे अड्डे कहाँ हैं। बता हथियार कहाँ छुपा के रखता है तू, घर पे या कहीं और। अबे यार ये मुंह नहीं खोलेगा कोई, इसकी फैमिली को बुला। नहीं नहीं जनाब। बोल बोल बोल। मेरे घर में, मेरे घर में 15 AK-47 15 AK-47 है। बोल तेरा कमांडर कौन है। बोल बता तेरे साथी कौन कौन है। सर आप उस पे दबाव डाल रहे हैं सर। तो फूल बरसाऊं, फूल बरसाऊं। बोल सर। और तू मुझे सिखाएगा कि कौन कैसा है। सर आप एक बार घर की तलाशी ले लीजिए सर। आई थिंक द प्रोसीजर इज नॉट दिस। अबे तू मुझे प्रोसीजर सिखाएगा। नशे एठ गई प्रोसीजर सिखाते सिखाते हा? और तू मुझे प्रोसीजर सिखाएगा। ये ले तेरा प्रोसीजर, ये ले तेरा प्रोसीजर। साले तुम सबकी जात को जानता हूं मैं। खाते यहाँ की हैं और दुआ वहां की मांगते हैं। आप गलत समझ रहे हैं। आप सिर्फ एक बार करके चुप।
Sir, if you will not follow the procedure, I can relieve you of your command. मैं कमांडिंग ऑफिसर को भी शिकायत कर सकता हूँ सर. मुझे रिलीव करेगा? जानता है ना मेरे ऊपर किसका हाथ है? मेरी रिपोर्ट करेगा तू? मेरी? ये ले. अब उखाड़ ले, कर ले रिपोर्ट. दर्द हो रहा है साले? चुप कर इसे. अच्छा चुप कर इसे. ये बोला बंद कर. नहीं तो चुप. चुप नहीं तो तुझे भी चुप. चुप नहीं तो सुना दूंगा. चुप. ये लड़की चुप. उस एक गोली की आवाज ने कुदरत को भी खामोश कर दिया था. हम उसे क्या अरेस्ट करते? हम तो खुद से भी आंखें नहीं मिला सकते थे. उस रात के अंधेरे में जावेद चाहता तो कहीं भी जा सकता था. उसे कोई नहीं रोक पाता. हमारा मरा हुआ जमीर भी नहीं. लेकिन वहां भी उसने वही किया जो हमें इस वर्दी ने सिखाया. फॉलो द रूल्स. मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है. कमजोर हो गया हूं. बार बार वही दिखता है सर. वही आवाजें. जावेद का चेहरा. नींद की गोलियां खा खा के नींद भी नहीं आती सर. टूट चुका हूं मैं सर. अर्पी. नहीं सर. सर आप आगे मत आइए सर. मैंने जो कहना था वो कह दिया. मैं कोर्ट नहीं आ सकता सर. अर्पी मेरी बात. नहीं सर. सर आप वहीं रहिए. सर मैं गोली चला दूंगा सर. आप कुछ मत कहिए. सर मैं कोर्ट नहीं आऊंगा सर. कोर्ट मार्शल तो फिर भी होता. मैंने गोली चलाई थी. मैंने खामोश रहना पसंद किया पूरे होशो हवास में, क्योंकि एक सिपाही होने के नाते न सिर्फ अपने देश की सरहद बल्कि इस वर्दी की इज्जत और इकबाल की हिफाजत करना भी मेरा फर्ज है और मकसद भी. ये मेरा मौका था सिद्धांत. उस रात का सच एक कौम के विश्वास को कमजोर कर देता. हमारे और आपके बीच की दूरी इस टेबल से कहीं ज्यादा बढ़ जाती. मैं नहीं चाहता कि किसी जावेद खान का वजूद सिर्फ उसके नाम से हो. मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्ल किसी प्रताप या राठौर के नजरिए की मोहताज. मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं उस कायनात का. अगर मेरी खामोशी से यह थोड़ी समझ जाती तो बताइए क्या बुरा सोता है. अगर ब्रिगेडियर प्रताप का बस चलता तो वो पूरे हिंदुस्तान की आर्मी को मेजर राठौर बना देते. शायद मुझे भी. क्यों सच सुन के आप भी खामोश हो गए?
क्या फर्क पड़ा? वीरेंद्र राठौर हत्याकांड में एक नया खुलासा। डिफेंस लॉयर मेजर सिद्धांत चौधरी ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह शौर्य चक्र एवीएसएम से सम्मानित को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। इट मे बी नोटेड दैट ब्रिगेडियर प्रताप इज अ हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर। रुद्र प्रताप सिंह जैसे प्रतिष्ठित ऑफिसर भी इस केस में शामिल है। कटघरे में आ रही है नए नाम का कोई फौजी है सर। बॉडी से क्या पता चल रहा है सर? सुसाइड केस है। हमारे साथ कितने पुलिस वाले हैं सर? 3 पुलिस वाले। कोई जनरल नहीं है? नहीं सर। मतलब आखिरी चांस बोलो। देसी है क्या? हार गए वाले। स्कॉच असली कैंटीन का माल। आजकल ड्यूटी बहुत करने लगे। अरे कितना टाइम लगेगा? ब्रिगेडियर प्रताप सिड क्या सोच के तुमने उन्हें बुला लिया कि वो विटनेस बॉक्स में आके बैठ जाएंगे और ऐलान करेंगे पूरी दुनिया के सामने कि हाँ मैं एक मास मर्डर हूँ। I mean, what were you thinking? तो क्या करूं? आरपी सिंह की लाश को विटनेस बॉक्स में बुलाऊं? या जावेद को जो मार्टर बनने पे तुला है? या नीजा राठौर को? वो आएंगे क्या? आई नो आई डोंट हैव एनी प्रूफ बट व्हाट डू आई डू? बैठ जाऊं? तुम्हारे लिए बड़ा आसान है वहां से लेक्चर बाज। आई एम सॉरी I just hope तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। Of course not. मुझे कुछ नहीं पता। Sid, अगर तुम्हारा ये एक मूव गलत हुआ तो आर्मी में तुम्हारा करियर खत्म। भेज देंगे तुम्हें बिहार या आसाम के किसी जंगल में। All I can say is, someone has to pay for this. ओ मेरे शेर। सर मेजर सिद्धांत चौधरी ने आपका डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। गुड बॉय। तुम्हारे चेहरे पे क्या है सर? नथिंग सर, जस्ट स्वेटिंग सर। ओनली पिग स्वेट मल्होत्रा, मैन पसपाया। अब अगर ठंडा पानी पी लो। यस सर। मेरी ध्रुपद वाली सीढ़ी भेज देना और साथ में मेरी विंटेज सिंगल मॉल्ट। The boy deserves the best. Sir. So, क्या लोगे मेजर? Anything, sir. ये एनीथिंग वाली जनरेशन बड़ी खतरनाक होती है। स्कॉटलैंड गए हो कभी? नो सर। ओ फिर तो तुम्हें ये सुन के देखना चाहिए। दैट्स स्कॉटलैंड। वहीं के फूल, सीवीड, पीट, आबोहवा, सब कुछ प्योर। कोई मिलावट नहीं, कोई करप्शन नहीं। That's your drink. Thank you, sir. How is it, Major? It's nice, sir. Just nice? Major, जिंदगी में दो ही अनुभव शुद्ध हैं, प्योर। एक सिंगल मॉल और दूसरा शौर्य। बाकी ये उठना बैठना, भगवान भोग चलता रहता है। इसमें क्या दिखता है तुमको? इंसिग्निया ऑफ राष्ट्रीय राइफल सर। 7,000 टेररिस्ट मारे गए, 5,000 वेपन जब्त हुए, 600 करोड़ का बजट। वीरता में दृढ़ता, दैट्स द सिंगल मॉल्ट ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स। वही शुद्धता, कोई मिलावट नहीं, कोई करप्शन नहीं। सो इट्स नॉट जस्ट एन इंसिग्निया मेजर। खैर
तुम्हारे इस रम और कोक वाली जनरेशन को ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है। आई लव व्हाट्स रिटन ऑन दिस। पढ़ो से, क्या लिखा है? स्पिरिट, स्पिरिट। इस ड्रिंक से जो मन मन भाप निकलती है ना, वहीं से जन्मा है ये शब्द स्पिरिट, रूह। हम फौजियों की रूह तो भटकते भटकती नहीं होगी, इतनी गोलियां जो खा लेते हैं कहीं चुपचाप कोने में बैठ जाती होगी। कितनी गोलियां लगी थी तुम्हारे पिताजी को, ब्रिगेडियर चौधरी को? 30 नहीं 32 गोलियां लगी थी, हाथ पैर कान नाक, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। तीन ऑफिसर्स को कुछ 10 घंटे लगे थे, उनके एक एक पुर्जे को जोड़ जोड़ के सिलने में। तुमने उनकी बॉडी देखी थी ना, क्या सही है कि उनकी एक छोटी उंगली और पैर का अंगूठा मिला ही नहीं? सैड। मेजर, बॉर्डर पे मरने से ज्यादा बड़ा नशा कोई नहीं है। बत्तीस गोलियों ने तुम्हारे पिताजी के शरीर को, ब्रिगेडियर चौधरी के शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन उनके रूह को नहीं। नॉट ए स्पिरिट, दैट्स शौर्य। अपने पिता के शौर्य को एक केस के जोश में खो मत देना। दैट नॉट बी, व्हाट्स द वर्ड यूज, नाइस। दैट नॉट बी नाइस मेजर। Cheers. Cheers, sir. डैड को कितनी गोलियां लगी थी? सिड, क्यों गया था वहां? लेफ्ट पैर का अंगूठा मिसिंग था, लगी थी 32 गोलियां, तो फ्रंट पे लड़े थे आखिरी बुलेट तक। He died his dream death. He was a hero. Bloody single malt. औरों की नजर में वो जो भी हो, तो उनकी नजर से याद करके पापा को क्यों जी रहा है? उस दिन बहुत लोग थे ना, सलामी दे रहे थे, हीरो बना रहे थे। आज कोई नहीं है, रो ले। मेजर सिद्धांत चौधरी, धन्यवाद। आपकी भेजी हुई प्लास्टिक की छिपकली क्षितिज को मिली, लिफाफे में पीछे आपका पता लिखा था। खत भेज रही हूँ। वीरेंद्र के पिताजी का गए हफ्ते देहांत हो गया। हम क्षितिज के ननिहाल लखनऊ वापस जा रहे हैं। अखबार में पढ़ा आपने ब्रिगेडियर प्रताप को कोर्ट में बुलाया है।
अपना सामान पैक करते वक्त मुझे वीरेंद्र की ये फाइल मिली। शायद ये फाइल केस में आपकी कोई मदद कर सके। दीवारों पर वीरेंद्र के सारे मेडल्स, सारी शील्ड्स आज भी लगी हैं। आज भी क्षितिज उन्हें देखता है तो अपने पिताजी की बहादुरी पर उसे बहुत गर्व होता है। शायद इन्हें यहीं छोड़ जाऊं तो उसका ये भ्रम भी एक दिन टूट जाएगा। उसे सच कोई नहीं बता पाएगा, मैं भी नहीं। शायद आप बता पाएं कि शौर्य सिर्फ किसी को मार गिराने को नहीं कहते, शौर्य सिर्फ सलामी देने को नहीं कहते, शौर्य तो हमारे बहुत अंदर होता है, एक हौसला, एक हिम्मत। अब तो मेरा नाम वीरेंद्र से हमेशा के लिए जुड़ गया है। किसी की मौत के बाद उसे तलाक नहीं ले सकते ना। देर कर दी मैंने। आशा करती हूँ ये फाइल आपको ठीक टाइम पर मिल जाए। काव्या जी को कहिएगा मैंने उन्हें याद किया था। नीरजा, Marshal resumes. Defense may begin. आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? तीन। ब्लैक ब्लैक ब्लैक। फेवरेट एनिमल्स? खरगोश, चीटी, चीता। तो मेजर राठौर आपके खरगोश थे या चीता? वो एक बहादुर ऑफिसर थे और मैं चाहूंगा कि उनकी वीरता की तौहीन ना हो। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स उनकी वीरता को कल्पेबल होमिसाइड और जेनोसाइड का नाम देते हैं। जब 30 मंजिल की बिल्डिंग नीचे गिरती है तब बगल के 10 मंजिल की बिल्डिंग पर असर होता है। इसे सामूहिक निषेध कहते हैं, कोलैटरल डैमेज। तो ये रिपोर्ट्स बकवास है। ये वो लोग जाने जिन्हें टेबल कुर्सी और एसी की हवा से मतलब है। मुझे मेरा फर्ज मुबारक। इट्स फैंटास्टिक स्पिरिट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डिफेंस इज रिडिक्यूलिंग अ डेकोरेटेड ऑफिसर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। कैप्टन आरपी सिंह के गायब होने और फिर उनकी लाश मिलने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े, किचन फाइट, पिलो फाइट, आत्महत्या, मर्डर, ये सब संभावनाएं हैं। पर इन विषयों पे मैंने पीएचडी नहीं की। पर दुखद है, मैं उनके परिवार को फूल भेज दूंगा। अगर आपके पीसी सरकार जैसे प्रश्न खत्म हो गए हो तो मैं चलूं। डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस फॉर ब्रिगेडियर प्रताप? आप क्या पूछना चाहते हो मेजर? मेरे चश्मे का नंबर? वाई नॉट, जानना जरूरी है चश्मा दूर का है या पास का, क्योंकि कभी कभी रियलिटी थोड़ी आउट ऑफ फोकस हो जाती है। ऑब्जेक्शन, डिफेंस इज डाइग्रेसिंग फ्रॉम द इश्यू। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ओके फाइन, अगर आपको मेरे सवाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स प्ले अ मेमोरी गेम विथ योर परमिशन सर। मेरी याददाश्त बिल्कुल मेरी तरह है, अचूक, शार्प। पूछो। एक्सलेंट। आप कमीशन कब हुए थे? 16 दिसंबर 1971। पहला मेडल? 6 महीने बाद वीर चक्र।
72 16 जुलाई फर्स्ट कार बीटल 78 फर्स्ट गोल्फ टूर्नामेंट 79 इंटर कमांड आर्मी गोल्फ चैंपियनशिप ब्रिगेड नायर सेकंड आए थे पहला ऑनर अति विशिष्ट सेवा मेडल एक नहीं दो बार 88 92 93 1993 मेंटल ब्लॉक कोई बात नहीं याद आ जाएगा आई गिव यू क्लू दिसंबर 1993 9th दिसंबर 1993 कम ऑन ब्रिगेडियर आई डोंट वांट यू टू लूज दिस गेम सो आई गिव यू वन लास्ट क्लू 9th दिसंबर 1993 शाम के 4:25 कोहरा बताया था वेदर रिपोर्ट ने फिर धूप निकल आई थी कुछ याद आया D52 मयूर विहार 9th दिसंबर 1993 शाम के 4:25 पे क्या हुआ था ब्रिगेडियर प्रताप जो हुआ था मेरे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में पढ़ लेना एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ओह यस ऑफ कोर्स लेट्स सी हियर इट इज सांप्रदायिक दंगों में मयूर विहार D52 फ्लैट नंबर 4:25 पे दो औरतों और एक बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया फिर उनके घर को जला भी दिया गया 3 लोगों की मौत हुई मिसेज आराधना प्रताप सिंह उम्र 36 साल आपकी वाइफ मिसेज शारदा प्रताप सिंह उम्र 70 साल आपकी मां तनवी प्रताप सिंह उम्र 8 साल योर डॉटर ठीक है सर एसीआर में सब डॉक्यूमेंटेड है What a tragedy. It's sad. Not only sad, it's cruel. कैसे किया? कुछ पेनी चीज से? चाकू से? किचन नाइफ से? 35 बार. मरने के पहले रेप भी किया गया आपकी बेटी का. वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है डैमेज ऑफ इंटेस्टिन आपकी मां तो जिंदा थी जलने से मरी घुट घुट के ये सब रिपोर्ट में है एक नाम रिपोर्ट में नहीं है बाबू कह के बुलाते थे उसको 10 साल का था जब आपके पास आया था अनाथालय से घर का सबसे प्यारा नौकर था ना वो 9 दिसंबर को उसने आपकी पूरी फैमिली को मार दिया आपके बाबू ने आपके जमील ने जमील था ना नाम उसका कोल्ड ब्लडेड किलर जमील आई नो व्हाट आई डोंट नो इस जमील का नाम इस एसीआर में क्यों नहीं है Could it be that Brigadier Pratap Singh is scared of something? You don't have to answer that question, Brigadier. You may choose to step out of the witness box. कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप के फितरत में नहीं है. So I'll answer that question. Major, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है. उससे ज्यादा नहीं. झेल नहीं पाओगे. तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है पूरे सच को जानने की. ये तुम्हारा सच है. सच ये भी है कि आप मेरे विटनेस बॉक्स में हैं और भले मुझ में ताकत ना हो पर मैं सच को जान के ही रहूंगा बकवास कर रहे हो तुम ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है कन्वीनियंस सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की संवेदनशील होने की डिस्को जाने की इश्क लड़ाने की त्योहार मनाने की जीने की सच ये है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए जरा पूछिए उनसे इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं हमारे
ये सच है मेजर, मेरा तुम्हारा उन सब का सच। पर मेरा सवाल था जमील, इमरान, नसीर, फातिमा, इन सब में जमील दिखता है ना? किलर्स, ऑल ऑफ देम, राइट? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। गुण दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। नहीं तो मेजर, रोज एक नहीं 100 जमील खड़े हो जाएंगे। 13 साल से जमील को ढूंढ रहे ना, आपने देखा जावेद खान को, दिखा जमील, बोलिए दिखा ना। तुम किसे बचा रहे हो? हाँ, इसे, इस जावेद को। कौम जानते हो क्या? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है, इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, हजारों राठौड़ मारे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मेरे तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। कौन है दुश्मन? पूरी कौम? हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं। सफाई, सफाई ब्रिगेडियर, इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइट का इनोसेंट, AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह, इनोसेंट। 6 साल की बच्ची? बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौड़ की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा, इनको खत्म करूंगा, मैं एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे, एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौड़ से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को, जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे, मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो, दैट्स व्हाट वी वांट, ब्लडी डेमोक्रेसी, ब्लडी ब्लडी डेमोक्रेसी। Thank you. That will be all, Your Honor. The defense rests its case. हो गया खत्म। मैं वक्त जाया नहीं कर सकता, इसलिए थैंक यू जेंटलमैन, इट वाज अ प्लेजर। ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह, यू हैव बीन रिलीव्ड ऑफ योर ड्यूटी विद इमीडिएट इफेक्ट एंड अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी विल बी ऑर्डर्ड अगेंस्ट यू। व्हाट? नहीं, हो क्या रहा है? ये इंडियन आर्मी है, जम्बो सर्कस। The prosecutor, Major Akash Kapoor, will now read the charges against Brigadier Rudra Pratap Singh. Brigadier Pratap, आप पर RPC धारा 304 और Army Act Section 69 के तहत culpable homicide का आरोप लगाया जाता है।
You are to be taken into immediate custody. Custody? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इस यूनिफॉर्म को देखो, राष्ट्रीय सम्मान से भरा है ये। राष्ट्रीय सम्मान? ये वर्दी, ये ट्रायल, ये सब इसलिए नहीं कि सिर्फ राष्ट्र है, ये सब इसलिए है क्योंकि राष्ट्रवाद भी है। बहुत बचाया है इस ब्लडी डेमोक्रेसी ने आपको सर, नहीं तो उल्टे टंगे होते किसी चौराहे पर। क्या कहा था आपने? नसों में जहर, कौम को खत्म करना, राइट? ठीक है, खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए उस कौम को भी जिसने महात्मा गांधी को मारा, उस कौम को भी जिसने मार्टिन लूथर किंग को मारा। फिनिश देम, किल देम ऑल, दैट्स योर सॉल्यूशन, राइट? और इसका सॉल्यूशन है एक 6 साल की बच्ची को बचाना, दैट्स ऑल। कोई जात नहीं, कोई कौम नहीं, जावेद खान की इंसानियत में इंडियन आर्मी का शौर्य छुपा है, पर आप नहीं समझे, आप नहीं समझेंगे। टेक इट अवे। In the light of new evidence presented by the Defence Council and the confessional statement of Brigadier Rudra Pratap Singh, this court-martial finds Captain Javed Khan not guilty under RPC Section 302 and Army Act 69. The court honorably acquits him and reinstates his full rank and honours. The court also orders a parallel court of inquiry to be set up against Brigadier Rudra Pratap Singh, Shaurya Chakra, ABSM. Court-martial dismissed. क्या है थरथराती इस धरती को रौंदती फौजियों की एक पलटन का शोर, या सहमे से आसमान को चीरता हुआ बंदूकों की सलामी का शोर? शोर क्या है हरी वर्दी पर चमकते हुए चंद पीतल के सितारे, या सरहद का नाम देकर अनदेखी कुछ लकीरों की नुमाइश? शोर क्या है दूर उड़ते खामोश परिंदे को गोलियों से भून देने का एहसास, या शोलों की बरसात से पल भर में एक शहर को शमशान बना देने का एहसास? शौर्य, बहती प्यास में किसी के गर्म खून का हौले से सुर्ख हो जाना,
या अनजाने किसी जन्नत की फिराक में पल पल का दोजख बनते जाना। बारूदों से धुंधला इस आसमान में शौर्य क्या है। वादियों में गूंजते किसी गांव के मातम में शौर्य क्या है। शौर्य शायद एक हौसला, शायद एक हिम्मत हमारे बहुत अंदर। मजहब के बनाए दायरे को तोड़कर किसी का हाथ थाम लेने की हिम्मत। गोलियों के बेतहाशा शोर को अपनी खामोशी से चुनौती दे पाने की हिम्मत। मरती मारती इस दुनिया में निहत्ते डटे रहने की हिम्मत। आने वाले कल की खातिर अपने हिस्से की कायनात को आज बचा लेने की हिम्मत। शौर्य क्या है।